बैकग्राउंड में कड़कती बिजली डाल, फटता हुआ ज्वालामुखी ट्राई कर, दाढ़ते शेर की फोटो लगा, मस्त है ना? एकदम रैप चेक, इसे डन करते हैं। ओके सर। ए सुनना, अरुमगम को हिला देने वाला कोई धांसु डायलॉग बता मुझे, एकदम धांसु। हाँ मुझे पता था तुम यही पूछोगे, इसीलिए मैं बी ग्रेड फिल्मों के सी ग्रेड राइटर को लेकर आया हूँ। बोलना। खूनी बदला देखी है? उसमें जो हीरो बोलता है ना, मैं तेरा पी जाऊंगा, तो उधर से विलन बोलता है, तेरे घर में पानी नहीं आता। ये डायलॉग मेरे दादा ने लिखा है, और भाषा में रजनी सर बोलते ना, मेरी बात का वजन तेरे खानदान से ज्यादा। ये मेरे पापा ने लिखा है। और सैया रसीले भोजपुरी फिल्म तो देखी होगी, उसमें एक डायलॉग है, हमार जिगर में 16 भड़के, ये पंचलाइन छपरा में हिट हुई थी। इस फोटो के लिए कुछ है तेरे पास? कर ले अपनी लुंगी टाइट, बोलम देगा तुझको फाइट। वाओ सुपर। ए, क्या कर रहा है ये भाई? की पर्सनालिटी के हिसाब से कोई धासु डायलॉग देना। न पुदीना न धनिया न चाय न सुट्टा, बस बोलम पे लगाना अपना सट्टा, तेरे मुंह में दे दूंगा देसी कट्टा। ओए चाय सुट्टा क्या कर रहा है, कुछ बढ़िया बता। सर सूर्या के लिए एक पंचलाइन लिखी थी, वो सुनाता हूँ। कर लो दुनिया मुट्ठी में, बोलम मिला देगा मिट्टी में। गुड सर, ये अच्छा लगा। बोलम भाई ये वाला तो सच में अच्छा है। कहीं सूर्या नाराज हो गया तो हम दोनों एक ही जिम में जाते हैं। अरे चिंता नहीं, ये किसी और के डायलॉग सूर्या को दे देगा, मामला फिनिश। चलो इसे बोल्ड में लेके जबरदस्त। ए अपने अपने पोस्टर साथ ले लो, हर गली नुक्कड़ मोहल्ले जहाँ जगह मिले चिपका डालो, अरुमगम बोलम का चेहरा हर जगह देख कर कांप जाना चाहिए। ए बोलम ये मल्टी कलर पोस्टर कैसा लगा तुम्हें? इसको बोल इसके चेहरे से तो अच्छा ही है। मैंने 6 फुट का पोस्टर बनाने को कहा था, मगर इन्होंने 4 फुट का पोस्टर बना दिया। सब कुछ उधार दे दिया, मगर ना ही किसी ने पैसा लौटाया और ना ही ब्याज, गल्ला पूरा खाली पड़ा है। एक बार मैच होने दे सेठ, एक ही बार में पूरा पैसा वसूल कर लूंगा। ठीक है, इसे गांधी मार्केट में चिपकाओ, इसे एलबीएस चौक पर, और जो तेरे हाथ में है इसको सारे पोस्टर अरुमगम के इलाके में चिपका डालो। उसके घर और गली में एक भी जगह बचनी नहीं चाहिए, वो जहाँ भी देखे उसे मेरी शक्ल दिखनी चाहिए। ये पोस्टर उसकी मौत का फरमान है, जाओ चिपका दो। चलो चलो चलो। ए इधर तो देख। ए अपने भाई के पोस्टर पे भोलम ने अपने पोस्टर चिपका दिए हैं। वो लोग इधर आए कैसे? पता नहीं, पर पूरे एरिया में उसी के पोस्टर हैं। पूरी बस्ती में उसी के पोस्टर लगे हैं। वो देखो भोलम के आदमी पोस्टर लगा रहे हैं। अरुमगम के लोग आ रहे हैं, यहाँ से निकलो जल्दी। चल 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 जल्दी भगा, जल्दी भगा, भागने ना भाग। चल 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 जल्दी निकल यहाँ से, चल 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 भाग 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 जल्दी। रुक, तेरी तो छोड़ूंगा नहीं। अरुमगम भोलम के आदमियों ने सब जगह ऐसे पोस्टर लगा दिए हैं, जिधर देखो उसी के पोस्टर लगे हैं। इनका कुछ तो इलाज करना होगा। ए मैच में लड़ने से डरता है इसलिए ड्रामा कर रहा है, हम इसका बदला यहाँ नहीं लेंगे, रिंग में लेंगे। सुनिए आज वो और उसके आदमी हमारे घर की चौखट तक पहुँच गए, क्या पता कल वो हमारे घर के अंदर आ जाए। उसका बाप भी इसी तरह उछलता था, फिर तो उसे चुप कराना पड़ेगा। ये स्पोर्ट्स है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं चाहिए, जैसा ये कह रहा करो, यहाँ कोई लफड़ा नहीं चाहिए। चलो निकलो, चल अंदर चल। सुना नहीं, निकलो यहाँ से। ए, अपुन को ये जमा नहीं, हमें भोलम को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। ए, 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 उठो, ए, उठो ना यार। आजा सब। ए, इससे पहले कि मास्टर अपनी कड़वी दवा हमारे गले में उतारे, सब निकल लो, चलो चलो चलो। नेक्स्ट ये वाला। हम जैसी मॉडर्न लड़कियां फिल्म स्टार ऋतिक रोशन, शाहरुख, क्रिकेट प्लेयर्स धोनी, युवराज सिंह की दीवानी होती हैं, और तू है कि कोई कासी माड़ू, व्यासर पाड़ी और पारंपरिक बॉक्सर प्लेयर्स की दीवानी है। प्यार शब्दों में बयान नहीं होता, भोलम एक रियल हीरो है। मेरी बात लिख ले, वो तेरे फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स से एक दिन बड़ा स्पोर्ट्समैन बनेगा।
डांसिंग भोलम देखो। सिंधु कहाँ थी तुम? हा? तुमने टैटू बनवाया क्या? इधर बनवाया? खाना खाने आओ। आता हूँ। ए, ये सब कॉलेज लेकर जाओ और रास्ते में कहीं गाड़ी मत रोकना। ठीक है। इसमें क्या है? इसमें कुर्मा है क्या? हाँ भैया। 100 पराठे के लिए सिर्फ 2 बर्तन कुर्मा, ऐसे कैसे चलेगा? पता है ना कॉलेज के लड़के कैसे खाते हैं, उनके लिए कम पड़ता है। सिंधु ये क्या कह रहा है, कम पड़ेगा? भैया ये झूठ बोल रहा है, मेरे दोस्तों ने बताया है ये रास्ते में कुर्मा बेच देता है। हे, चल निकल यहाँ से। चल जा। आज ये वाली शर्ट क्यों? आज बुधवार है ना। हाँ। इस रंग की शर्ट पहनोगे तो दिन अच्छा निकलेगा, पहनो। ये सब तो ठीक है, लेकिन अंडरवेयर तो काली चलेगी ना? वो मुझे नहीं पता। कल से जल्दी आया करो, तुम्हारी वजह से कॉलेज जाने में देर हो जाती है। तुमने आज कोई नया टैटू बनवाया? हाँ। कहाँ बनवाया, दिखाओ ना। अगर तुमने सही गैस किया तो दिखा दूंगी। अब तक पूरे 8 बार सही गैस कर चुका हूँ, लेकिन तुमने 1 बार भी मुझे अपना टैटू दिखाया नहीं है। मुझे अपना ही टैटू देखने के लिए तुमसे परमिशन लेनी होगी। तुमने मुझसे पूछकर टैटू बनवाया था, चलो मैं खुद ही देख लेता हूँ। छोड़ मुझे। मुझे सिर्फ ग्लव्स दिखाई दे रहे हैं अपने, बाकी बॉडी नहीं दिख रही। पीछे भी बनवाया है और नीचे भी। और कहां कहां? ये अंदर क्या शोर हो रहा है? बस बातें कर रहे हैं साले साहब। तुम्हारा भाई बहुत अनजान मनराज, पर तुम इतना नखरे क्यों दिखा रहे हो? जिस दिन ये यहाँ नहीं होगा ना, तो तुम्हारे सारे टैटू देखूंगा मैं। इतना वेट क्यों? अभी शादी कर लो, सारे टैटू देख लो। लौ पुरुष टीम के चाहने वालों, भोलम को हराएगा हमारा शेर। हमारे शेर का नाम है अरुमुगम। अरुमुगम है इस इलाके का खली जो तोड़ेगा दुश्मन की नली। गाँव में अभी तक नहीं पहुँची लाइट, भोलम हारेगा ये फाइट। नहीं पता कि कब पहुंचेगी वहां लाइट, पर ये पक्का है कि भोलम जरूर हारेगा ये फाइट। अरे ये भोलम यहाँ, अरे जल्दी चला, जल्दी चला। ए, इस ऑटो को जाने मत देना। अबे ऑटो जल्दी चला, इन लोगों के हाथ नहीं लगता है, जल्दी चला। अरे हट जाओ कांधे से, हट जाओ। अबे क्या तेरे ऑटो में जान नहीं है बे? अबे जल्दी चला ना। अबे ये रेडियो कहां से आ गई सामने? छोड़ दे, छोड़ दे। अरे मेरी बात सुन। पीछे हटो, माइक मत तोड़ो। तू मेरे ही एरिया में आकर मेरी बेइज्जती कर रहा है, अब तू यहाँ से अपने एरिया जाने तक बस मेरी तारीफ करेगा। डायलॉग मैं दूं? मुझे एक डाउट है, अरुमुगम आउट है। अपने फाइटर को कहता है बब्बर शेर, मगर वो तो है कचरे का ढेर। तू ये बोल, घंटी होती है रिंग, भोलम है रिंग का किंग। वाह क्या बात है, अब तू बोल। घंटी होती है रिंग। माइक में बोलना है, माइक दे से, पकड़ से, तू पीछे बैठ। डायलॉग याद है, लिख के दूं। जब तक मेरा एरिया खत्म नहीं होता, तुझे यही बोलना होगा। घंटी होती है रिंग, भोलम है रिंग का किंग। घंटी होती है रिंग, भोलम है रिंग का किंग। घंटी होती है रिंग, भोलम है रिंग का किंग। घंटी होती है रिंग। अपने एरिया में बहुत शेर बनता है, ले तेरे एरिया में है, पता क्या करेगा हमारे साथ? मारो इन्हें, अचना नहीं चाहिए कोई भी। अपने एरिया में अरुमुगम के लोग आ गए, जल्दी अपने आदमियों को बुला के लाओ, भागो। हमारे आदमियों ने भोलम के लड़कों को मारा। सुना कल भोलम के एरिया में काफी लफड़ा हुआ। सुना, क्या जम के दिलाई किए उनकी। हे भोलम के आदमी आ गए, चल 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 चल। हे हमारे एरिया में आके हमें मार रहे हो? हे जा रहे अपने पंडित को बुला के ले गया। मार दो, देखो और बदले में उन्होंने अरुमुगम के आदमियों को मारा। जल्दी उतर, जल्दी उतर, सत्य मार दे अरुमुगम के लोग। किधर जाता है? ऐसे नहीं मानने वाले, इन्हें सबक सिखाना पड़ेगा। भोलम के आदमी आ रहे हैं, चलो निकले यहाँ से। हे भागना किधर है? रुक जा। मारो, मारो, मारो। ए रुक रुक,
इसे भोलम के पास ले चलो। तुझे नहीं मारूंगा, जब अरुमुगम को मारूंगा तब अकल ठिकाने आएगी तुम्हारी। ऑटो चलेगा? ए, जाकर बोल दे उसे कि एक बाप की औलाद है तो फिर तैयार हो जाए वो। वो बीच सड़क पर फैसला करने की बात कर रहा है। उसने तो बोला कि वो यहीं आकर मारेगा। वो कह रहा है कि अगर एक बाप की औलाद है तो तैयार रहे। उसे उंगली दी तो क्या वो हाथ पकड़ेगा? वो क्या यहाँ पर आएगा? मैं खुद वहां जाकर उसी के एरिया में मारूंगा। आजा आजा। ये टीवी वाले हमारा क्या मैच कराएंगे? चल अभी फैसला कर देता हूं मैं, आजा। तू कुछ भी कर ले, मेरे ही हाथों नॉकआउट होगा तू। तू अपने आप को बहुत बड़ा सूरमा समझता है ना? आज अपनी ताकत दिखाता हूं तुझे। ए, रिंग बनाओ, आ जाओ सब लोग, इसकी मौत का जश्न मनाने के लिए तैयार हो जाओ। ए, दुर्गा माँ, आज मैं बलि चढ़ाऊंगा सर्वमुगम की तुझे। मेरी टीम ने तुम्हें बहुत बार हराया है और आज भी मैं ही जीतूंगा। चलाओ चलाओ। Hey, come on!